नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों मैं आज आपके सामने क्लास नाइन्थ की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा था दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर में दोस्तों हमने किंगडम प्लांटी को स्टार्ट किया था और उसके सब डिविजन्स को हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने एल्गी किया, फिर ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा। आज हम पूरी तरह से किंगडम प्लांटी को ख़त्म करेंगे। जो दो फर्दर सब क्लासेस बची हुई हैं दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसको कम्प्लीटली हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले जिम्नोस्पर्म, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी आपका एंजियोस्पर्म। आइए देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ आपका, बेसिकली अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का सीड नहीं पाया जाता था। उसके बाद जब जिम्नो आए तो जिम्नो स्पर्म दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं, एक है बेटा जिम्नोस और एक है बेटा स्पर्मा। जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यानी बेटा यहाँ पे सीड तो फॉर्म हुए, क्या जी, सीड तो फॉर्म हुए लेकिन सीड के बाहर में कोई कोटिंग नहीं थी। That's why the gymnosperm are known as any plant that is bearing seed, but it is not having seed coat. यहाँ पे कोई coating, external coating उसके surrounding में नहीं थी, तो मैं बोलूंगा seed कैसा है बेटा जी, naked है। ध्यान से सुनिएगा, gymnosperm जैसा कि मैंने बोला, it is formed by two words, gymnos, gymno means naked, sperma means seed। यानी यहाँ पे सीड तो था लेकिन बेटा जी कोई सीड कोट नहीं थी। हम अगर पढ़ेंगे आपके एंजियोस्पर्म के बारे में तो वहां हमें पता चलेगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है और ओवरी के अंदर में इंक्लोज्ड होता है ओव्यूल। लेकिन अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की तो यहाँ बेटा जी क्या होगा कि यहाँ पे दो अलग अलग कोन पाए जाते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी अगर देखे तो नहीं है, मेल कोन और फीमेल कोन। मेल में मेल कोन जो होगा उसमें मेल ऑर्गन ग्रो करता है या मेल गैमेट ग्रो करता है और फीमेल कोन पे फीमेल गैमेट ग्रो करता है। क्लियरली है जी, यहाँ पे जनरली ओव्यूल तो पाया जाएगा, देखिए ओव्यूल तो पाया जाएगा लेकिन ओव्यूल के बाहर में जो सराउंडिंग होती है या बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा ओवरी, वो इसमें नहीं पाई जाएगी। ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी, क्या ध्यान से सुनिएगा, ओव्यूल इनक्लोज्ड नहीं है ओवरी से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोई भी ओवरी नहीं है, यानी ओव्यूल कैसा है बेटा, अगर बोले तो ओव्यूल कैसा है, एक्सपोज्ड है, चाहे वो फर्टिलेशन से पहले हो चाहे फर्टिलेशन के बाद की बात कर रहा है। तो जिम्नोस्पर्म आर जिम्नो फॉर्म बाय टू वर्ड्स, जिम्नोस मींस नेकेड, स्पर्मा मींस सीड, are plants in which ovule दिख रहा है आपको, are not enclosed by an ovary wall, इसके बाहर में जो ovary wall होनी चाहिए वो नहीं है, and remain exposed, यानी ये ऐसे ही रहती है both before and after fertilization। यही ovule होता है बेटा, ovule further converted into seed। clear है जी, तो भैया यही ovule जब सीड बना लेगा, क्या बना लेगा, सीड बना लेगा, तो सीड के बाहर भी कोटिंग होगी क्या, नहीं होती है, तो इसीलिए इसको बोला सीड विदाउट सीड कोट। ध्यान रखिएगा, ओव्यूल ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होता है तो ये सीड बनाता है और ओवरी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होके फ्रूट बनाती है। क्लियर है जी, इस बात को कहीं पे लिख लीजिएगा, ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ओव्यूल जब चेंज होगा तो किसमें होगा, सीड में, और ओवरी जो होगी वो चेंज होगी किसमें, फ्रूट में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेटा जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड तो डेवलप होगा क्योंकि ओव्यूल तो है, तो ओव्यूल डेवलप करेगा सीड में, लेकिन सीड के बाहर में जो कोटिंग आती है वो आएगी आपके ओवरी की वजह से, तो यहाँ ओवरी है ही नहीं, तो सीड क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा, सीड के बाहर में कोई कोटिंग नहीं होगी। क्लियर है जी, तो यही आपको याद रखना है, सीड विदाउट सीड कोट वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिम्नोस्पर्म का। बॉडी, बिल्कुल बॉडी इज बेटा, बॉडी पहले ही डिफरेंशिएटेड हो गई थी, पहले बताया था
कि सबसे पहले बॉडी डिफरेंशिएट हो गई थी रूट स्टेम लीफ, इससे पहले वाले में ये हुई थी टेरिडोफाइट्स में। अब इसके बाद जितने भी प्लांट्स आएंगे, जितने भी सब डिविजन आएंगे, सब में बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी रूट स्टेम एंड लीव्स में। क्लियर है जी? यहाँ पे बॉडी डिफरेंशिएटेड है। वस्कुलर टिश्यू या ऑब्वियसली वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जाइलम वाटर का कंडक्शन कराएगा और फ्लोएम वाटर एच दैट इज द आपके फूड का ट्रांसलोकेशन कराएगा। क्लियर है जी? यहाँ लिख दिया नेकेड सीड। सीड कैसा होगा? ये मान लीजिए सीड है, सीड के बाहर में कोई कोट नहीं है तो नेकेड सीड बोला। यहाँ पे अभी आपसे बोला था कि ओवरी डेवलप होती है किसमें? फ्रूट में। यहाँ ओवरी है क्या? अरे है क्या? ओवरी के बाहर कोई ओवरी है क्या? नहीं है। तो यहाँ फ्रूट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सीड जो होगा नेकेड होगा विदाउट फ्रूट, इसमें फ्रूट नहीं आते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म वाले कभी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करेंगे और ना ही आपका फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो तीन चीजें हैं आपको याद करने के लिए जिम्नो में। यहां मैं लिख देता हूं जिम्नोस्पर्म। सबसे पहला जो सीड होगा क्या होगा बेटा जी? सीड होगा यहाँ पे विदाउट कोट, या इसके बाहर में कोई कोटिंग नहीं होगी। दूसरा जिम्नोस्पर्म में कोई भी फ्लावर नहीं बनेगा और जिम्नोस्पर्म में फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, केवल ये होगा सीड, उसके बाहर में भी कोई कोटिंग नहीं होगी। क्लियर है जी? चलिए आइए ध्यान से सुनते रहिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपके एनसीईआरटी में दो चार लाइन दे रखी है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तो उसमें पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैं पूरी चीजें आपको बताऊंगा। द ग्रुप ऑफ दीज प्लांट्स आर पेरिनियल। क्या होते हैं बेटा? इस जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जनरली पेरिनियल होंगे, एवरग्रीन यानी कि ग्रीन ग्रीन होंगे, और उडी यानी ये इनकी गर्थ में इंक्रीज होगा, यानी उडी का मतलब मोटे होंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर प्लांट है तो ये जो उड का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि उडी होंगे। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय पेरिनियल? पेरिनियल का मतलब है बेटा जी कोई भी प्लांट जो सरवाइव करता है मोर देन टू इयर्स, दो ईयर से ज्यादा अगर कोई प्लांट सरवाइव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। क्या बोलेंगे बेटा जी? पेरिनियल प्लांट। इस बात को कहीं पे आप लिख लें, पेरिनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स क्या बोला मैंने पेरिनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट कैन सरवाइव फॉर मोर देन टू इयर्स, दो ईयर से अगर ज्यादा के लिए वो जिंदा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? पेरिनियल प्लांट। ओके, सो पेरिनियल प्लांट किसे बोलेंगे? एनी प्लांट दैट इज ग्रोन और दैट लिव्स, लिख लीजिएगा that lives for more than 2 years, जो 2 साल से ज्यादा के लिए अगर वो जिंदा रहता है प्लांट तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेरिनियल प्लांट। क्या बोलेंगे? पेरिनियल प्लांट। तो द ग्रुप ऑफ दिस प्लांट्स, यहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं यानी कि पेरिनियल होंगे, फिर एवरग्रीन होंगे और उड़ी होंगे। चलिए जिम्नोस्पर्म के अंदर में अगर आप समझेंगे कि केवल बड़े प्लांट होंगे छोटे प्लांट नहीं, यहाँ पे भी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट होगी, कुछ प्लांट काफी छोटे होंगे सब्स की तरह, कुछ प्लांट काफी बड़े होंगे और कुछ प्लांट जो होंगे मीडियम साइज के भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया जिम्नोस्पर्म इंक्लूड करेगा, कहीं छोटे छोटे भी होंगे, कहीं थोड़े बड़े होंगे और कहीं बहुत ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं। तो इट में बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सब्स, इन द फॉर्म ऑफ टॉल ट्रीज एंड इन द फॉर्म ऑफ मीडियम साइज ट्री के फॉर्म में पाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो यहाँ पे दे रखा है, दैट इज जिम्नोस्पर्म, जायंट, जायंट का मतलब गायंट या जायंट इसको बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म
रेड वुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नो। चले दोस्तों, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मैंने जैसे बोला गायंट जिम्नोस्पर्म जो रेड वुड ट्री सिक्योया है इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज जिम्नोस्पर्म में। इसकी जो हाइट होगी बेटा वो रेंज करती है 200 से लेके 240 फीट लंबा ये हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म होंगे जिनके अंदर में ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होगी, यानी जैसे बात करें ये है ये ब्रांच, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज अगर लिख लेंगे यानी बहुत ज्यादा ब्रांचिंग अगर देखने को मिलेगी तो ये मिलती है बेटा पाइनस में और सिट्रस टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म में। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिम्नोस्पर्म में जिनके अंदर में ब्रांचिंग नहीं होगी, वो एकदम उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल साइकस, जिसके अंदर में ज्यादा ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो याद कर लीजिएगा स्टेम किसी किसी में क्या होती है, अनब्रांच्ड होगी यानी फर्दर उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए साइकस। एंड इन विच फर्दर ब्रांचिंग कैन बी सीन द टू एग्जाम्पल जिसमें ब्रांचिंग आप देख सकते हैं, पहला होगा पाइनस एंड द सेकेंड दैट विल बी द सिट्रस। अब अगर हम बात करें कभी कभार क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिम्नोस्पर्म के पार्टिकुलरली उनके रूट में कुछ फंगल एसोसिएशन पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं पाइनस की, जैसे ये एक प्लांट है आपका पाइनस, इसकी ये रूट होंगी, ये जो रूट है पाइनस की, क्लियर है जी, यहां पे फंगाई प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ फंगस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और द एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट एंड दिस फंजाई कैन बी कॉल्ड एज माइकोराइजा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी माइकोराइजा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए एसोसिएशन का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंस होता है। यहाँ पे जो फंगस है हम जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है कि फंगस हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना खाना नहीं बना सकता है। तो ये फंगस इस पाइनस से क्या लेगा बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट या फूड जो पाइनस बनाएगा अपनी रूट्स को भी देगा, उन रूट से फ्रूट ले फूड ले लेगा कौन बेटा जी, फंगस। बदले में ये फंगस क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उन लोगों के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा बेटा जी, फंगस। कौन कराएगा, फंगस। बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे एब्जॉर्ब होंगे और ये एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, तो फंगस कराएगा। ठीक है जी भैया, इसने क्या किया, दो चीजें हुई, यहाँ है रूट, ठीक है जी, यहाँ पे ही लगा हुआ है फंगस। तो पहले रूट ने, जो पाइनस का रूट था, उसने कहा अच्छा तुम मेरे साथ हो, अच्छा तुम खाना नहीं बना पाओगे, कोई नहीं ये लो मैं तुम्हें खाना देता हूँ। बदले में बेटा फंगस को भी शर्म आई, उसने कहा अरे यार ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए फंगस कुछ ना कुछ करता है, जो एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, जैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे आपके लैंड से, उन सबको एब्जॉर्ब करके और सप्लाई करता रहेगा पाइनस के रूट को, और पाइनस के रूट से ये सारे पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहेगा। क्लियर है जी। तो द एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ पाइनस, बेसिकली क्या होता है, किसी भी रूट के साथ में अगर फंगस एसोसिएशन बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलेंगे बेटा, माइकोराइजा। तो रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जो आपको पाइनस में देखने को मिलता है। क्लियर है जी। तो ये आपको बातें समझ में आई, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि फंगस खाना नहीं बना पाता था तो पाइनस ने उसको खाना दिया, बदले में फंगस ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर करके चीजें वाटर नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सारी चीजें किसको दी, प्लांट को दी। क्लियर है जी। अरे क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है दैट इज इन साइकस। क्या कह रहे बेटा जी, जो ये एक और स्पेशल प्लांट है आपका इसी में जिम्नोस्पर्म में, यहाँ पे साइकस जो होगा
साइकस में एक स्पेशल टाइप की रूट पाई जाती है। यहाँ पे जो रूट होगी कुछ इस तरह का एसोसिएशन, काफी इसे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें फॉर्म होते हैं। अगर आप देखेंगे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। क्या बोलेंगे बेटा? कोरेलॉइड रूट्स। ये कोरेलॉइड रूट्स केवल पाए जाते हैं साइकस में। किसमें पाए जाएंगे? साइकस में। और ये रूट आखिर में बनते कैसे हैं? तो बेटा यहाँ पे भी एक एसोसिएशन होता है। साइकस की जो रूट होगी वहां पे आके बैठ जाएंगे साइनो बैक्टीरिया, जो कि कौन से बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इन केस ऑफ साइकस, अगर हम साइकस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा बेटा? कोरोलॉइड रूट फॉर्म होता है। और ये कोरोलॉइड रूट है क्या? बेसिकली इट इज द एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ साइकस एंड साइनो बैक्टीरिया। तो याद रख लीजिएगा, सी फॉर साइकस एंड सी फॉर कौन सी रूट उसमें पाई जाएगी? कोरोलॉइड रूट्स, जो कि आप पे काफी डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये रूट है स्पेशली जिसको हम लोग बोले कोरोलॉइड रूट। और ये कैसे बनी है? तो बेटा जी इसी चीज से बनी है। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया यानी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। यहाँ पे भी क्लियर है जी। तो एसोसिएशन जो पाया जाएगा किसके किसके बीच में? साइकस और साइनोबैक्टीरिया। इस एसोसिएशन को हमने बोला साइकस और साइनोबैक्टीरिया की जो साइकस की जो रूट है, ये जो रूट है साइकस की जो रूट है और साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन, दैट इज नोन एज कोरोलॉइड रूट। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कोरोलॉइड रूट। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट, और कुछ बचा नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें बची है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म। देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म हैज बीन गिवन। लेकिन यहाँ पे दो तीन आप याद कर लीजिएगा। पाइनस, देखिए पाइनस साइकस तो हो ही गया, पहले ही हो गया पाइनस साइकस। और एक याद कर लीजिएगा जिंकगो, GINKGO, जिंकगो। तीन हो गया, पाइनस साइकस एंड जिंकगो। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी एंजियोस्पर्म। क्लियर है, नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, जैसा कि हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, वो भी दो ग्रीक वर्ड से बना था, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब था नेकेड, स्पर्मा मतलब सीप। यहाँ पे भी जो एंजियोस्पर्म टर्म है ये भी डिराइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से। पहला होगा एंजियोस और स्पर्मा। एंजियोस का मतलब होता है बेटा कवर्ड और स्पर्मा मतलब सीड। यानी बेटा यहाँ जी सीड कवर्ड है, तो सीड कवर्ड है कि यानी कि मतलब सीड के बाहर में कोई ना कोई कोट होगी। तो सीड विथ सीड कोट कैन बी कंसिडर्ड एज एंजियोस्पर्म। देखते हैं, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। यानी बेटा यहाँ पे जो भी सीड होगा, सीड के बाहर में कोई ना कोई कोटिंग मौजूद होगी, इसीलिए सीड विदाउट सीड कोट किसको बोला था? जिम्नोस्पर्म। सीड विथ सीड कोट किसको बोलेंगे बेटा जी? एंजियोस्पर्म को। इसको समझने से पहले सबसे पहले आप देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, ये कंटेन करता है स्टिग्मा, स्टाइल, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है स्टाइल, और ये आपका ओवरी। यहाँ पे ओवरी के अंदर में ओव्यूल है, ध्यान से सुनिएगा, ओवरी के अंदर में ओव्यूल है। यहाँ पे ओव्यूल के बाहर में एक कवरिंग है जी। क्या है? एक कवरिंग है। कौन सी? ओवरी। दिस मीन्स ओव्यूल जो अंदर है, ओव्यूल इज इनक्लोज्ड इनसाइड ओवरी। क्लियर है जी। यहाँ पे ओवरी, यहाँ पे ओव्यूल जो है एक्सपोज नहीं है, वो किसके अंदर में छुप के बैठा हुआ है? ओवरी के अंदर में। और जैसा कि मैंने पहले बोला था, दिस ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। तो कुछ समय बाद ये ओव्यूल डेवलप करके क्या बना लेगा? सीड। कुछ समय बाद ये ओवरी, और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट।
ओवरी डेवलप करके बना लेगी फ्रूट, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जी, बाहर में हो गया फ्रूट और उसके अंदर में हो गया सीड। कोई भी अगर एंजियोस्पर्म प्लांट अगर फ्रूट खाते हैं तो उनमें सीड कहाँ होगा, उसके अंदर में पाया जाएगा। बाहर में होता है फ्रूट, अंदर में होगा सीड। आई बात समझ में, किस तरह से बना? देखिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, ओवरी के अंदर में पाया जाएगा ओव्यूल। क्या होगा बेटा, तो यहाँ ओव्यूल किसके इनसाइड में है, ओवरी के अंदर में। अब मुझे भी मालूम है दोनों का डेवलपमेंट होगा, तो ओवरी डेवलप करेगी तो क्या बनाएगी, सीड। और ओवरी सॉरी ओव्यूल डेवलप करेगा तो बनाएगा सीड, और ओवरी डेवलप करेगी तो क्या बनाएगी बेटा, फ्रूट। दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ओव्यूल डेवलप करके सीड बनाया, ओवरी डेवलप करके फ्रूट बना रही है। तो बेटा जी बाहर में क्या है, बाहर में क्या है, ओवरी। अरे बाहर में क्या है, ओवरी। तो बाहर में ओवरी है तो बाहर में क्या बनेगा, फ्रूट। और अंदर में क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ है, अंदर में, तो अंदर में क्या बन जाएगा, सीड। क्लियर है जी, तो फ्रूट के अंदर में सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे सीड जो है चारों तरफ से ढका हुआ है, छुपा हुआ है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज इनक्लोज्ड इनसाइड ओवरी, किसके अंदर में भैया, ओव्यूल इनक्लोज्ड होगा इनसाइड ओवरी, और ओव्यूल डेवलप करके सीड बनाएगा, ओवरी डेवलप करके फ्रूट बनाएगी। क्लियर है जी। अब आइए नेक्स्ट, मैंने पहले ही बोला था कि जो भी एंजियोस्पर्म होगा उसके अंदर में फ्लावर भी प्रोड्यूस होगा, सो फ्लावर आर प्रोड्यूसिंग केस ऑफ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, सीड विथ सीड कोट का मतलब क्या हुआ, सीड आर इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर में क्या होगी, सीड। प्लांट एम्ब्रियो, अब ये बात थोड़ी समझने वाली है, जब हम बात करेंगे तो कह रहे कि प्लांट का जो एम्ब्रियो होगा, यानी भैया सीड के अंदर अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था ये जो सीड होता है, सीड के अंदर में क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो, ओके। और यहां पे मैंने लिखा था एंडोस्पर्म, जिसके अंदर में फूड स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड फूड, जो ये स्टोर्ड फूड होगा ये सप्लाई करता रहता है यंग एम्ब्रियो को। तो ये क्या कह रहा है जरा समझेंगे, प्लांट एम्ब्रियो, प्लांट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो दिख रहा है किसके अंदर में बेटा, ये पूरा सीड है, पूरा का पूरा सीड है, तो एम्ब्रियो किसके अंदर में है, सीड के अंदर में है। प्लांट एम्ब्रियो इन सीड, कहा है बेटा, इन सीड हैव स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉटिलीडन्स। देखिए अगर आप बात करेंगे तो बेटा जैसे ग्राम को देखें, चना को देखें, चने को आप बीच में से अगर तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा आपके पास में, एक ऐसा और एक इस तरह का स्ट्रक्चर। यानी बेटा इसमें जो स्ट्रक्चर ये बाहर निकल के आया है इसको हम बोलते हैं बेटा कॉटिलीडन। क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन। तो जो प्लांट एम्ब्रियो पाया जाता है सीड में हैव स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉटिलीडन, उसके अंदर में क्या होगा, सीड के अंदर में क्या होता है, कॉटिलीडन। कॉटिलीडन आर आल्सो नोन एज सीड लीव्स, क्या बोलते हैं इसको, सीड लीव्स। जब बेटा आप इसको क्या करोगे, जैसे ग्राम है, चना है, कुछ भी है, जब आप इसको डालेंगे लैंड में यानी कि सॉइल में अगर आप डालेंगे तो सबसे पहले ये जो कॉटिलीडन होता है, ये जो कॉटिलीडन होगा, ये कॉटिलीडन बेटा सबसे पहले ये कॉटिलीडन ही पहले ग्रो करता है ग्रीन कलर में, इसमें ग्रो करेगा, ये जो आपका कॉटिलीडन है यही ग्रो करता है ग्रीन कलर में। और भैया ग्रीन कलर होता क्या है, स्पेशली अगर बोले प्लांट में तो लीव्स का कलर ग्रीन होता है ना जी, तो इसीलिए एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करेगा, जब इसको मैंने सॉइल में डाला तो ये जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेट करेगा तो बेटा ये ग्रीन हो जाता है, कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कैसा हो जाएगा बेटा जी, ग्रीन हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया सीड लीव्स, क्या बोला गया इसको, सीड लीव्स। जरा ध्यान से सुनिएगा, प्लांट एम्ब्रियो, भैया एम्ब्रियो तो सीड के अंदर में है, हैव स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉटिलीडन्स,
कॉटिलीडन आर ऑल्सो नोन एज, कॉटिलीडन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, सीड लिप्स, क्या बोलते हैं सीड लिप्स, क्यों बोल रहे हैं बेटा जी, बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज, वो इमर्ज होगा बढ़ेगा एंड बिकम ग्रीन, कैसा होगा बेटा जी, ग्रीन हो जाएगा व्हेन सीड जर्मिनेट, जब सीड क्या होगा बेटा जी, जर्मिनेट करेगा, यानी यहां से मान लीजिए सीड, ये जो हमने सीड डाला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये सॉइल है, यहाँ पे हमने सीड को डाल दिया, ठीक है जी, सीड को डाल दिया, यहाँ पे ये जो सीड होगा इसका कॉटिलीडन जो होगा, ये सीड, सीड कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीन हो जाएगा, अल्टीमेटली स्टार्टिंग में जो सीड होगा जिसके कॉटिलीडन्स है वो क्या होंगे बेटा, ग्रीन कलर के हो जाएंगे, बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट। तो बेटा ग्रीन एक्चुअली में होता क्या है, लीफी तो होते हैं, तो यहाँ जो है सीड का जो पार्ट है एक्चुअली जिसको हम लोग कॉटिलीडन बोल रहे हैं, तो वो ग्रीन हो रहा है, कैसा हो रहा है बेटा, कैसा स्ट्रक्चर गेन कर रहा है, ग्रीन कर रहा है स्ट्रक्चर जब जर्मिनेट करने से पहले, इसीलिए आपके जो सीड होते हैं, सीड का जो पार्ट जिसको कॉटिलीडन बोल रहे हैं उसको हम लोग ग्रीन क्या बोल सकते हैं, सीड लिप्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सो कॉटिलीडन में ऑल्सो बी कॉल्ड एज सीड लिप्स, क्यों, क्योंकि कॉटिलीडन जब जर्मिनेट करेगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, इसीलिए कॉटिलीडन को हम लोग सीड लिप्स भी कहते हैं, क्लियर है जी। कॉटिलीडन्स रिप्रेजेंट अ पिक्ड प्री डिजाइंड प्लांट, यानी इन द सीड्स, यहाँ पे बेटा यही जो कॉटिलीडन्स होगा, से मान लीजिए यहीं से बेटा आपका कोई भी प्लांट निकलेगा, क्या करेगा, कहां से निकलेगा, आपके कॉटिलीडन्स से। तो अगर मैं बोलूं ये तो पूरा सीड है, सीड के जो हिस्सा होगा उसको हमने बोला कॉटिलीडन, बेटा जी कॉटिलीडन से ही आपका कोई न्यू प्लांटलेट्स निकलेगा, तो बेटा जो भी पूरा बड़ा प्लांट निकल रहा है बेटा जी या आएगा, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन कहाँ कंजर्व्ड है, तो कहाँ कंजर्व्ड है, कॉटिलीडन के अंदर में, इसीलिए बोला है कॉटिलीडन रिप्रेजेंट अ पिट प्री डिजाइंड प्लांट इन सीड, यानी कि जो भविष्य में आने वाला प्लांट है वो कहाँ छुपा हुआ है, प्री डिजाइंड फॉर्म में मौजूद है, कहाँ पे, कॉटिलीडन में मौजूद है, क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो बहुत सारे एंजियोस्पर्म, एक बहुत छोटा सा एंजियोस्पर्म भी पाया जाता है, दैट इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आंखों से दिखेगा भी नहीं, तो बेटा माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म का नाम है उल्फिया, क्या नाम है, उल्फिया, क्लियर है जी। लार्ज, कुछ एंजियोस्पर्म बहुत बड़े भी हो सकते हैं, तो लार्ज एंजियोस्पर्म होगा, जैसे इक्लिप्टस प्लांट होता है, जो एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, इसकी हाइट 100 मीटर के आसपास होती है, क्लियर है जी। एंजियोस्पर्म को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन, अगर मान लीजिए उनके सीड में सीड के अंदर में केवल एक ही कॉटिलीडन है, तो एक ही कॉटिलीडन है अगर सीड में, तो ऐसे को बोलते हैं मोनोकॉट्स, क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलीडन, क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलीडन्स। अगर मान लीजिए सीड के दो हिस्से हैं, अगर सीड के अंदर में दो कॉट्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉटिलीडन्स, क्या बोलेंगे बेटा जी, डाइकॉटिलीडन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, पहला है मोनोकॉटिलीडन, दूसरा है डाइकॉटिलीडन। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मोनोकॉट्स में, फॉर एग्जांपल पोटैटो, सनफ्लावर, व्हीट, बनियान ट्री, ये सब में मोनोकॉट सीड पाया जाएगा। डाइकॉटिलीडन जिसके अंदर में दो कॉटिलीडन होगा सीड के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल पीनट, फॉर एग्जाम्पल बीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। तो बेटा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी एंजियोस्पर्म की वो सारी मैंने बताई, अब कुछ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके बीच में द फीचर्स ऑफ दिस मोनोकॉट एंड डाइकॉट, क्लियर है जी। पहले इसको आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं सम कॉमन फीचर्स ऑफ द मोनोकॉट एंड दूसरा है बेटा जी डाइकॉट। यहाँ पे मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन सा मोनोकॉट में होगा, कौन सा डाइकॉट में होगा।
तो सबसे पहला जो फीचर लिखा हुआ है बेटा वो है सीड। सीड इन केस ऑफ मोनोकोट कितना होगा बेटा, एक कॉटिलीडन होगा। अगर सीड में एक ही कॉटिलीडन है, वन कॉटिलीडन है, तो वो किस में आएगा बेटा जी, मोनोकोट्स में आएगा। अगर दो कॉटिलीडन्स हैं तो वो किस में आएगा बेटा जी, इस तरह से बना लीजिए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे डाइकॉट्स। क्या बोलेंगे, एक कॉटिलीडन बोला तो उसको क्या बोला, मोनोकॉट्स। क्लियर है जी। और अगर दो कॉटिलीडन्स हैं तो यहाँ पे कितने कॉटिलीडन है, एक और एक, कितने हो गए बेटा, दो कॉटिलीडन्स हो गए, तो उसको बोला डाइकॉट। एक कॉटिलीडन है तो बोला उसको मोनोकॉट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो फीचर है वो है रूट। तो बेटा सुनिएगा, जो मोनोकॉट्स होंगे उनमें जो रूट पाई जाती है वो एकदम, ये क्या होगी बेटा, ये आपके क्या होगी, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड है उसके एकदम आसपास में ही होगी, यानी वो ज्यादा अंदर जाके पेनिट्रेट नहीं करती है, वो इधर ही फैलेगी, आसपास में ही रूट फैलेगी, यानी वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो ऐसी रूट को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट दैट डू नॉट पेनिट्रेट, दैट डू नॉट पेनिट्रेट, जो ज्यादा पेनिट्रेट करके डीप में नहीं जाएगी, दैट डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनसाइड सॉइल। ये आपके ग्राउंड से ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, वो उसके आसपास में ही रहेगी, इस प्रकार की रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट। कौन सी रूट बोलेंगे बेटा जी, फाइब्रस रूट। और ये फाइब्रस रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट। तो फाइब्रस टाइप ऑफ रूट पाई जाएगी मोनोकॉट में, लेकिन अगर बात करेंगे डाइकॉट्स में तो उसमें जो रूट होती है बेटा, ये हो गया आपका ग्राउंड, ये रूट काफी अंदर तक, डीप अंदर तक जाती है, तो इस प्रकार की रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे बेटा, जो काफी अंदर तक जाएगी, प्राइमरी रूट दैट पेनिट्रेट्स डीप इनसाइड सॉइल, वो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स। किसका है बेटा, प्राइमरी रूट कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट्स का। किसका बेटा जी, डाइकॉट्स का। तो यही लिखा हुआ है रूट, फाइब्रस रूट किसमें पाई जाएगी, मोनोकॉट्स में, दिख गया जी, जो ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगी। और प्राइमरी रूट जो काफी अंदर तक जाएगी वो ऐसी रूट पाई जाती है आपके डाइकॉट्स में। क्लियर है जी। अब अगर हम बात करेंगे स्टेम की बात करेंगे, तो स्टेम जो होगा, जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है जी, तना है, ये रूट हो गया, इसके ऊपर आपका कुछ भी लगा हुआ, फ्लावर लगा हुआ, तो स्टेम अगर हॉलो होगा, क्या होगा बेटा, हॉलो अंदर से एकदम, तो क्या होगा बेटा, हॉलो यानी खाली खाली होगा, तो स्टेम हॉलो पाया जाता है किसके अंदर में, तो ध्यान रखिएगा मोनोकॉट्स में। किसमें होगा बेटा, मोनोकॉट्स में स्टेम अंदर से हॉलो होगा, खाली होगा। लेकिन अगर बात करेंगे डाइकॉट्स की, तो उसमें उसके मोटापे में इंक्रीज होगा, यानी स्टेम जो होगा, ये स्टेम जो होगा ये काफी स्ट्रांग होता है इन केस ऑफ डाइकॉट्स। किस केस में, डाइकॉट्स में। तो स्टेम फॉल्स फॉल्स या हॉलो स्टेम किसमें पाया जाएगा, मोनोकॉट्स में। स्ट्रांग स्टेम किसमें पाया जाएगा, डाइकॉट्स में। क्लियर है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फीचर दैट इज द लीफ। दो अलग अलग प्रकार के लीव्स पाए जाते हैं यहाँ पे। जो लीफ के अंदर में, जैसे ये बताई, ये मैं बता देता हूँ, ये एक लीफ है, तो ये लीफ का जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना। इसको हम पूरे पार्ट को बोला लीफ ब्लेड। इसके अंदर में ये जो एक सेंटर से जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब, और इसके बाद में यहाँ पे होती है वेन्स। क्या होती है बेटा, वेन्स, ये हो गई वेन्स। ओके, तो जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों जगह अलग अलग होता है। देखिए जब हम बात करेंगे लीव्स, कुछ इस तरह की लीव्स होती हैं,
जिनके अंदर में वेन्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। यानी अगर आप देखेंगे बेटा जी, इनमें जो वेन्स हैं वो कैसे अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। कैसे अरेंज है? पैरेलल अरेंजमेंट इनके अंदर में पाया गया है। तो बेटा जो वेन्स होती है ना, वेन्स इनके अंदर में पैरेलली, यहाँ पैरेलल अरेंजमेंट हो सकता है। तो पैरेलल अरेंजमेंट जो होता है वेन्स का, ये देखने को मिलता है बेटा आपको मोनोकॉट्स में। किसमें देखने को मिलेगा? मोनोकॉट्स में। तो पैरेलल विनेशन किसमें देखने को मिलेगा? पैरेलल विनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट्स में। लेकिन बेटा जी, जितने भी आपके डाइकॉट्स होते हैं उनमें जो होती हैं लीफ जो होगी, इनमें वेन्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वेन्स का, यह एक नेट की तरह, नेट मतलब मच्छरदानी जैसे होता है उसकी तरह, तो ये नेट लाइक अरेंजमेंट होगा। नेट लाइक अरेंजमेंट होता है ऑफ लीफ वेन्स। यहाँ वेन्स जो होती है आपस में एक दूसरे कट करते हुए जा रही है, यानी नेट लाइक अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के विनेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा रेटिक्यूलेट विनेशन। क्या बोलेंगे? रेटिक्यूलेट विनेशन। और ये जो रेटिक्यूलेट विनेशन पाया जाता है, ये पाया जाता है बेटा डाइकॉट्स में। तो लिख दिया यहाँ पे लीफ पैरेलल विनेशन किसमें पाया जाएगा? मोनोकॉट में। और रेटिकुलेट विनेशन आपके पाया जाएगा किसमें बेटा जी? आपके डाइकॉट्स में। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द फीचर इज द लास्ट फीचर, दैट इज फ्लावर, जिसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। तो मोनोकॉट्स में जो फ्लावर होंगे वो पांच होंगे या पांच के मल्टीपल में होंगे, 5, 10, 15, 20 इस तरह से होंगे। लेकिन डाइकॉट्स में अगर फ्लावर होंगे तो वो 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे, 3, 6, 9, 12, 14 कुछ इस तरह से पाए जाएंगे। तो बेटा जो जो आपके इम्पोर्टेंस थी अबाउट द एंजियोस्पर्म, वो मैंने एक एक करके आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। काइंडली इसको देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो होगा हम पूरा समराइज करेंगे आपका किंगडम प्लांटी को। पहले इसको आप नोट डाउन करें। चलिए दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। तो जितना भी हमने किंगडम प्लांटी में पढ़ा, सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट सब डिविजन्स को जो आपके किंगडम प्लांटी के हैं वो पहचानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? जो भी डिविजन्स हैं, सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट किया था बेटा थैलोफाइटा से। वहाँ पे बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड थी, यानी रूट, स्टेम और लीफ आप नहीं पहचान सकते थे। उसके बाद में ब्रायोफाइटा, थोड़ी बॉडी डिफ्रेंशिएट हुई, देन टेरिडोफाइटा और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हुई, रूट, स्टेम, लीव्स देखने लगे। तो सबसे पहला जो डिवीजन था जहाँ पे बॉडी एकदम डिफ्रेंशिएट नहीं थी, अनडिफ्रेंशिएटेड थी, तो वहीं से डिवीजन किया गया है प्लांटी। प्लांट्स को डिवाइड किया गया दो भागों में, डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। तो कौन से में प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे? रूट, स्टेम और लीफ आप नहीं पहचान पाते थे, बताइए जी। तो याद होगा आपको थैलोफाइटा, याद है जी, थैलोफाइटा और एल्गी। यहाँ पे हम लोग नहीं पहचान पाते थे कि रूट कौन है, स्टेम कौन है, लीफ कौन है, क्योंकि यहाँ बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी। फिर जब हम थैलोफाइटा से आगे आए आपके ब्रायोफाइटा में, तो वहाँ पे फूट सीटा कैप्सूल था, यानी रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक कैरेक्टर्स तो डेवलप हो गए थे ना, यानी बॉडी थोड़ी डिफ्रेंशिएट हो गई थी, हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। लेकिन अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स में कहीं पे भी वास्कुलर टिश्यू नहीं थी, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं थी। तो अब डिवीजन जो होगा वो होगा जाइलम और वास्कुलर टिश्यू के प्रेजेंस पे, वास्कुलर टिश्यू के अब्सेंस पे। तो देखिए, हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, क्लियर है जी, दो भागों में बांट दिया गया, विदाउट स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू, यानी यहाँ पे जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जाइलम फ्लोएम,
ओके। यहाँ पे विथ वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट होगी और यहाँ अब्सेंट होगी। विदाउट है तो यहाँ विदाउट लिखा हुआ है, तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ नहीं थी। तो अगर याद हो तो मैंने बोला था ब्रायोफाइट्स में कोई भी वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो भैया विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू इसके बारे में बता रहा है बेटा जी, ब्रायोफाइट्स के बारे में। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, दैट इज नोन एज द ब्रायोफाइट्स। क्लियर है जी, ओके जी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आपका दे रखा है विथ वस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा। तो मैंने बोला था पहली बार वस्कुलर टिश्यू देखने को मिली थी किसमें, टेरिडोफाइट्स में, यानी जहाँ पे, और बेटा जी जाइलम फ्लोएम तो था ही, और पहली बार रूट स्टेम और लीफ ये भी आपको कहाँ देखने को मिली थी, टेरिडोफाइट्स में। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर हमने लिखा बताया था कि टेरिडोफाइट्स डेवलप तो हो गए थे लेकिन उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड फॉर्मेशन होता है जिम्नो में और एनजीओ में। तो जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीड एंड इसमें सीड नहीं होगा। तो विथ वस्कुलर टिश्यू, चलिए इस फॉर्म में वस्कुलर टिश्यू पाई जाएगी। फिर फर्दर डिवीजन हुआ डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा सीड एंड दैट विल प्रोड्यूस सीड, तो जो सीड प्रोड्यूस करता था उसको हम लोग फिनेरोगैम्स बोलते थे। मान लीजिए कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्या नहीं प्रोड्यूस हो रहा है जी, अरे बोलेंगे सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो मैंने पहले ही बताया था भैया टेरिडोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू है नो डाउट, जाइलम फ्लोएम है, रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट हो गया है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डू नॉट प्रोड्यूस सीड यानी ये किसकी बात कर रहा है, टेरिडोफाइट्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा जी, टेरिडोफाइट्स। अब फर्दर डो डिवीजन दे रखा है दैट इज द प्रोड्यूस करेगा सीड जिसको हम लोग बोलते हैं फिनेरोगैम्स। तो बेटा दो डिवीजन, सीड जिनमें सीड कोट होगी एंजियोस्पर्म, सीड जिनमें सीड कोट नहीं होगी दैट इज नोन एज जिम्नोस्पर्म। क्लियर है जी, तो यहाँ फर्दर डिवीजन हुआ बियर नेकेड सीड, सीड पे सीड के बारे में कोई कोट नहीं है तो किसकी बात कर रहा है बेटा जी, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। बियर सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के इनसाइड में सीड पाया जाता है, ये कौन है बेटा जी, एंजियोस्पर्म। क्लियर है जी, अरे समझ में आया जी, इतनी बातें जो आपके समझ में आई कि नहीं आई जी, क्लियर है जी। फर्दर हम लोग एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट सकते हैं, तो थोड़ा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। एंजियोस्पर्म को फर्दर हम दो भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन्स, ठीक है जी। तो हैव या सीड है, क्या लिखेंगे, हैव सीड विथ टू कॉटिलीडन्स, अगर दो कॉटिलीडन्स हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइकॉट्स, क्या कहते हैं डाइकॉट्स, और हैव सीड विथ वन कॉटिलीडन, अगर एक ही कॉटिलीडन है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी मोनोकॉट्स। क्लियर है जी, अरे आई बात समझ में जी। तो ये सारा जो सिग्निफिकेंस था और ये सारा जो डिवीजन हमने पढ़ा आपका, आज तक का पूरा किंगडम प्लांट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे बेटा किंगडम एनिमेलिया की, और किसी की हम बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, किंगडम एनिमेलिया को भी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो बेटा जी क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू ऑल।